हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। भिवानी में प्रवासी मजदूर पिछले काफी समय से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और 150 से ज्यादा मजदूर बुधवार को किरोड़ीमल पार्क में पहुंचकर घर जाने की जिद करने लगे। मजदूरों का कहना है कि उनका 10 दिन पहले रजिस्ट्रेशन और मेडिकल हो चुका है, लेकिन अभी तक उनके गृह जिले तक नहीं पहुंचाया गया है, जबकि कई बसें बिहार और यूपी जा चुकी हैं। इन प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि प्रशासन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो वहीं सर्व कर्मचारी संघ के नेता भी प्रवासी मजदूरों के साथ किरोड़ीमल पार्क पहुंचे और प्रशासन से प्रवासियों को घर भेजने की गुहार लगाई। जब से लॉकडाउन हुआ है अभी कोई काम नहीं है, न खाने पीने का बहुत तकलीफ हो रहा है। मकान किराया मतलब जो भी था मतलब पहले का थोड़ा बहुत पैसे बचा हुआ था, मकान वाले का पैसे ले गया, अभी खाने पीने का कोई जुगाड़ नहीं बन रहा है। खाली बैठा हूँ, बोर गया हूँ। जहाँ भी जा रहा हूँ डीसी के पास उतनी गया था, फिर उसके बाद जो एसडीएम के पास गया था, लेबर कोर्ट में गया था, और ये एमसी के पास भी मतलब व्हाट्सअप किया, एमसी के पास भी दो गया, बोला कि दो दिन रुक जाओ। मैं कोई कहता है हफ्ता रुक जाओ। मैंने 4 तारीख को मतलब रजिस्ट्रेशन किया, अभी तक ना कॉल मैसेज नहीं आया। गया डिस्ट्रिक्ट बिहार के रहने वाले हैं। अब हम लोग के सर बहुत भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। हर सरकारी दफ्तर में गए मगर कोई उपाय कोई सही ढंग से बता ना पाए। मजबूर में हम लोग के पैदल रोड पर उतरने पड़ गए हैं। बहुत प्रकार की दुख तकलीफ झेलने पड़े। कोई कंपनी 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग सर 2.5 महीने से अब कहाँ से खाएं। ये प्रवासी मजदूर हैं, रोजी रोटी के लिए हरियाणा में आए थे, लॉकडाउन हो गया, ऐसे ही अपने घर जाना चाहते हैं। प्रशासन इनकी सुध नहीं ले रहा। रात को बसों में इन्होंने स्कूल से बिठाया और शहर से बाहर ले जाके छोड़ दिया। अब ये दोबारा इकट्ठे हुए हैं, अब कह रहे हैं तुम्हारे पास आएगा। हमारे पास कोई वो नहीं है, ना इन न कोई मकान मालिक बढ़ने दे रहा, ना प्रशासन इनकी सुध ले